लाखों में बारिश आधी रात से ही शुरू है। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। किसानों को कृषि कार्य 31 मार्च तक टालने की सलाह दी गई है। तो एक बार फिर से मौसम ने घाटी में करवट ली है। देर रात से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। वाहन चालकों को सावधानी बरतने की बार बार प्रशासन अपील कर रहा है। साथ ही साथ किसानों को यह हिदायत दी गई है कि 31 मार्च तक किसी भी तरह की जो फार्मिंग एक्टिविटीज हैं उन्हें टाल दिया जाए। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जून महीने में देश की सबसे बड़ी श्री अमरनाथ जी की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जो कि लगभग 2 महीने तक चलेगी। इसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे। ऐसे में यात्रियों को रास्ते में आने वाली मुश्किलों से पार करवाने के लिए माउंटेन रेस्क्यू टीम यानी MRT लगातार सांबा के नड में प्रशिक्षण ले रही है। जम्मू कश्मीर MRT के इंचार्ज राम सिंह सलाथिया और उनकी इंस्ट्रक्टर की टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और लुधियाना से आई NDRF की टीम पहाड़ी इलाकों में रेस्क्यू को लेकर प्रशिक्षण दे रही हैं, जिससे किसी भी आपदा के समय ये जवान मुश्किल में फंसे लोगों की मदद कर सकें। आपको समझाया, अपना नाम बताओ और बोल रहा कि हम जो भी कोर्स के लिए हम इस समय मौजूद हैं सांबा के नड इलाके में। यहाँ पर MRT का एक स्पेशल जो ग्रुप है जो जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसकी तरफ से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। खासकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के उन नौजवानों को फौलाद की तरह बनाया जाता है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के साथ निपटने के लिए जो हर घंटे तैयार रहते हैं। अच्छा, आज जो ये आपकी ट्रेनिंग हुई, कितनी देर की ट्रेनिंग रही आपकी और क्या कुछ इसमें आपको सिखाया गया? सर, 15 दिन की ट्रेनिंग है सर। पहले दिन हम आए, हमें कुछ पता नहीं था सर। 1 हफ्ता हो गया, हमने बहुत कुछ सीखा है कैसे रेस्क्यू करना है सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिजास्टर आती है तो फिर कैसे रेस्क करना है, खुद को भी और दूसरे को कैसे बचाना है। और इसके अलावा सर, हमें भी प्रिपेयर कर दिया है अमरनाथ यात्रा के लिए भी सर। कोई भी डिजास्टर हो इसके लिए हम सब प्रिपेयर करते हैं। अमरनाथ यात्रा में भी आपकी ड्यूटी लगती है और वहाँ किस तरह क्या सिखाया जाता है कि किस तरह जो श्रद्धालु होते हैं उनको देखना है? हमें अमरनाथ यात्रा जो 29 जून से शुरू होने जा रही है, हमें उसके लिए भी तैयार किया गया। वहाँ पे उन पिलग्रिम्स को कैसे बचाया जाए, रेस्क्यू किया जाएगा और खुद को कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, चाहे कोई भी आफत क्यों ना आ जाए, कोई भी डिजास्टर क्यों ना हो, हम आसानी से उनको भी बचाएंगे और अपने आप को भी आसानी से बचा लेंगे। ये हमें सिखलाई मिल गई है। ये प्रशिक्षण 15 दिन का है और हमारे जो MRT के सर उस्ताद लोग हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें सिखलाया है ताकि हम आने वाली आपदा, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर कोई किसी प्रकार की आपदा हो या हमारे जो कमिंग जो अमरनाथ यात्रा है उसमें भी हम भली भांति अपने को बचाते हुए विक्टिम को सेफ्टी कर सकें। कौन सा इक्विपमेंट जो है, कौन सी जगह इस्तेमाल होता है और इस इक्विपमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, जैसे रोप के बारे में हम इनको बताते हैं, रोप का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, रोप के अंदर क्या क्या क्वालिटी है, रोप को कैसे पहचानना है, तो वो सब इनको बताते हैं। इसी तरह से सारा इक्विपमेंट है जो कौन सी सिचुएशन में कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है वो इनको पूरी तरह से सिखाया जाता है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमारे जो उस्ताद हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें डिजास्टर्स से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी है, जिसमें के अवलांच आदि के और कहीं रॉक एरिया में कोई डिजास्टर आ जाता है, जहाँ जैसे कि अभी जो जम्मू कश्मीर की एक महत्वपूर्ण यात्रा अमरनाथ की यात्रा है, जिसमें हमारी बटालियन की जिम्मेदारी रहती है। तो दूसरे SSP को भी किया है, CRP को भी ट्रेनिंग दी है। तो ये हमारी ट्रेनिंग हर साल 6 महीने यही ट्रेनिंग रहती है। उसके बाद कई तरह की आपदा ड्यूटियां रहती हैं, जैसे अभी गुलमर्ग में हमारी एक ऑलरेडी टीम डिप्लाई हुई है। इसके अलावा कहीं भी ऐसा कोई डिजास्टर होता है या कोई भी एक्सीडेंट होता है, वहां हमारी टीम तुरंत पहुंचती है और डिप्लाई रेस्क्यू के लिए जाती है। अभी हमारे पास 1300 लोग ट्रेन जो हमने किए हुए हैं और इस साल हमने 7 बैच J&K पुलिस, जिसमें SDRF भी है, और 3 बैच हम NDRF के करने हैं, जिसको आने वाली यात्रा जो है 29 जून को शुरू हो रही है और उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। तो
उसके लिए भी हमारी साथ साथ में तैयारी चल रही है। सांबा में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, NDRF हो, SDRF हो, चाहे जो अलग अलग अन्य सुरक्षा बलों की जो दस्ते हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाता है MRT की टीम की तरफ से, और इनके जो स्पेशल जो इंस्ट्रक्टर हैं वो यहाँ पे उनको ट्रेनिंग देते हैं और इनको एक मजबूत स्थिति में ले जाते हैं। शरीर के साथ साथ दिमागी तौर भी इनको मजबूत किया जाता है कि आप किस तरह श्रद्धालुओं के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और खबरों